हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीकेट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के भूगोल का दूसरा चैप्टर भौतिक विभाजन का दूसरा पार्ट देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीकेट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ, तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। भारत में वृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बने हैं। प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना प्राचीनतम भूभाग है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं। पहला भाग है मध्य उच्च भूमि तथा दूसरा भाग है दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। फिर से पढ़ते हैं। वह भाग जो मालवा पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। आगे है विंध्य श्रृंखला। दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से होकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपरदन की शक्तियों द्वारा अपरदित होकर नीचे हो जाते हैं तथा उनका अवशिष्ट या शेष अवरोधक भाग ही दृष्टिगोचर होता है। चूँकि इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपरदन होने से होता है अतः इन्हें घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। उदाहरणार्थ विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा आदि ये सभी जो है अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। आगे है सतपुड़ा श्रेणी दक्कन पठार का भाग है। इनका विस्तार मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य में है। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा श्रेणियाँ इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह पंचमढ़ी में स्थित है। आगे है पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। केरल में इसे सव्य पर्वतम के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि पश्चिमी घाट को केरल में किस नाम से जाना जाता है तो सर्व पर्वतम। आगे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुड़ी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। पश्चिमी घाट का विस्तार दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समानांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरिप तक पाया जाता है। ये भ्रंशोत्स अर्थात ब्लॉक पर्वत है जिनका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ी नुमा या क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है।
16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा से दक्षिणी ग्रेनाइट और नाइस शैलों से निर्मित है। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के कृष्णा और पेन्नरू नदी के मध्य स्थित है। यह पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर है। समानांतर महानदी से नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य विस्तृत है। जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के उत्तरी अरकाट जिले में स्थित है। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलित स्थल पर अवस्थित है। आगे है दोद्दा बेटा। यह नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा जनजाति तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है। नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु केरल एवं कर्नाटक राज्य में विस्तृत है। यह एक पर्वत ग्रंथि है। कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिम घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अवस्थित है। इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। सेवराई पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास अवस्थित है। लगभग 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत ये पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकॉट इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार के सासाराम तक विस्तृत है। गडजात की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है, जहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। बालाघाट श्रेणी हरिश्चंद्र श्रेणी तथा सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत है। अजंता श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है। रामगिरी की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका उत्तर है अरावली। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? तो इसका उत्तर है अरावली। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? तो इसका उत्तर है अरावली। नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियाँ हैं? तो इसका उत्तर है अरावली। नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है कितनी? तो 570 मिलियन वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो इसका उत्तर है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का। दिए गए भौगोलिक क्षेत्रों में भारतीय प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अफवाह के कारण बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? तो यह अरावली पर्वत। अरावली अवशिष्ट पर्वत
अर्थात रेजिड्यूल माउंटेन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका उत्तर है अनाई मुडी। अनाई मुडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है तथा यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका उत्तर है अनाई मुडी। अनाई मुडी या अनाई मुडी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? तो इसका उत्तर है अनाई मुडी। नेक्स्ट प्रश्न है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? तो इसका उत्तर है सतपुड़ा श्रेणियाँ। सतपुड़ा श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है, अर्थात सतपुड़ा श्रेणियों दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। अतः विकल्प बी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात सबसे उत्तर में नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, फिर और नीचे जाएगा जवादी पहाड़ियाँ, फिर और नीचे नीलगिरी पहाड़ियाँ और फिर सबसे नीचे अना मलाई पहाड़ियाँ मिलेगी आपको। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के कृष्णा और पेनरू नदी के मध्य स्थित है। जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के उत्तरी अरकाट जिले में स्थित है। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलित स्थल पर अवस्थित है। अन्ना मलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। ये चारों पहाड़ियाँ मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटते क्रम में अवस्थित है। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए और उपयुक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बतलाइए। तो इसका सही उत्तर है ए, अर्थात सबसे पश्चिम में महादेव पर्वत श्रृंखला है, वहीं जब पूरब की ओर जाइएगा तो आगे मिलेगा मैकाल पर्वत श्रृंखला, और आगे बढ़िएगा तो छोटा नागपुर का पठार और सबसे पूर्व में खांसी की पहाड़ियां मिलेगी। प्रश्नानुसार दिए गए उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला तथा खांसी की पहाड़ियां। महादेव एवं मैकाल श्रेणियां सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी विस्तार के रूप में स्थित है। इनके पूर्व में छोटा नागपुर श्रेणी तथा सबसे पूर्व में खांसी की पहाड़ियां जो कि मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है? तो इसका उत्तर है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी दुद्धावेटा है, जिसका ऊंचाई लगभग 2637 मीटर है। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है? तो इसका उत्तर सी, नीलगिरी पहाड़ियां। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक केरल एवं तमिलनाडु राज्यों में मिलन स्तर पर स्थित है? तो इसका उत्तर है नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। यह कर्नाटक केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु केरल एवं कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम दक्षिण
पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है रमन सागर पर्वत। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की है, जिनमें एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब सागर में सागरकन्या तथा तीसरा मुंबई से 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया है। इस पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंची पर है। तो ये बिल्कुल गलत है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनायमुडी चोटी है, जो दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। अतः कथन भी सत्य है, ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। इस प्रकार कथन सी सत्य है। दो समानांतर भागों के फैलाव से रिफ्ट घाटी या ग्रावेन का निर्माण होता है। ये घाटियाँ संकरी होती है। नर्मदा दामोदर एवं ताप्ती नदियाँ भारतीय रिफ्ट घाटी के उदाहरण हैं, अतः कथन डी भी सत्य है। विकल्प ए का कथन सही नहीं है, क्योंकि पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र अधिक ऊंचा है। अतः इस प्रकार सही उत्तर विकल्प ए है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो इसका उत्तर है अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है, अन्य का विस्तार एक से अधिक राज्यों तक है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट खाली स्थान कहलाता है क्या? तो इसका उत्तर है सह्याद्री। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थितगत अनुक्रम चुनिए। तो इसका उत्तर है बी, अर्थात सबसे पहले सतमाला पहाड़ियाँ, उसके बाद कैमूर पहाड़ियाँ, फिर आपको पीर पंजाल श्रेणियाँ मिलेगी, और फिर आपको नागा पहाड़ियाँ और उसके बाद पीर पंजाल श्रेणियाँ मिलेगी। इसका सही उत्तर बी है। निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम इस प्रकार है, सतमाला पहाड़ियाँ जो कि महाराष्ट्र में, कैमूर पहाड़ियाँ जो कि मध्य प्रदेश से बिहार में, नागा पहाड़ियाँ जो कि भारत म्यांमार सीमा पर, तथा पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है? तो इसका उत्तर है केरल एवं तमिलनाडु। कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है? तो इसका उत्तर है कार्डमम। कार्डमम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है, जिसके कारण इन्हें इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेवराई पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु। समुद्र से 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठार से संलग्न सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? तो इसका उत्तर है मांडव पहाड़ियाँ, बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी तथा सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में फैली हैं, जबकि मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य के काठियावाड़ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में है, यह बिल्कुल गलत है। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है, न कि महाराष्ट्र राज्य में। अतः विकल्प बी सही सुमेलित नहीं है,
गर्जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है, जहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश एवं सेवराई पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं उसे बतलाइए। तो इसका उत्तर है 3 और 4, ये दोनों सही हैं, अर्थात महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में और वहीं मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। कार्डमम पहाड़ियाँ केरल के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों के बीच में स्थित है, जबकि कोरोमंडल तट भारत की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार तक विस्तृत है, जबकि कोकण तट भारत के दक्षिण पश्चिम तट अर्थात महाराष्ट्र व गोवा रेखा को दिया गया नाम है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में है और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत के असम प्रांत में है। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, महादेव पहाड़ियाँ भाग है किसका। तो इसका उत्तर है सतपुरा का। महादेव पहाड़ियाँ सतपुरा पर्वत श्रेणी का विस्तार है। नेक्स्ट प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो इसका उत्तर है सतपुरा रेंज में। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है, जो सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह पंचमढ़ी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का नाम है। तो ये स्टार मार्क्स है, तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। रामगिरी की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त रामगिरी की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में भी स्थित है। चूँकि मैकाल श्रेणी सतपुरा श्रेणी का पूर्वी भाग है, इसलिए इसका उत्तर बी सी तथा ई तीनों ही हो सकता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी संशोधन उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर बी दिया था, जो कि त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। तो इसका उत्तर है 1365 मीटर। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। इसके शिखर पर शिखरजी जैन मंदिर स्थित है। यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। इसका नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम रखा गया है। अब है नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और मिलान करें और यहाँ से सही उत्तर को चुनें। इसका सही उत्तर ए है। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। तो गारो पहाड़ियाँ ये मेघालय राज्य में स्थित हैं, वहीं मिरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में। कोल्लई मलाई पहाड़ी यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है और डालमा पहाड़ी यह झारखंड राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो इसका उत्तर डी अर्थात 1, 2 तथा 3 तीनों सही हैं। अर्थात यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत है, दूसरा इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, और तीसरा है इसका उत्तरी खंड लावा अर्थात बेसाल्ट से आच्छादित है। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समांतर लगभग 1500 किलोमीटर की ऊंचाई से उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरिप तक पाया जाता है। ये भ्रंशोत्थ ब्लॉक पर्वत है, जिसका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ी नुमा या क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट और नाइस शैलों से निर्मित है। नेक्स्ट प्रश्न है,
कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो इसका उत्तर है पालनी पहाड़ी पर। कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो इसका उत्तर है मुकंदरा पहाड़ियाँ। मुकंदरा पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। मुकंदरा पहाड़ियाँ कोटा व झालवाड़ा के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो इसका उत्तर है सलहेर। पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार भारत की मुख्य भूमि के पूर्वी तट के समानांतर उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटियों में मलयगिरी, महेंद्रगिरी, गलीकोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में, सिंकराम गट्टा जो कि उड़ीसा में, माधुगुला कोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में आते हैं। सलहेर चोटी महाराष्ट्र में स्थित है। यह पश्चिमी घाट पर्वत की चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 1565 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें और यहाँ इसका उत्तर देख लें। इसका उत्तर है सी। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर, अर्थात केरल में अनाई मुडी चोटी है, वहीं नागालैंड में सारामती चोटी है, उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत है और तमिलनाडु में दोद्दा बेटा। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात सबसे पश्चिम में सतपुड़ा और पूरब की ओर बढ़ते जाएगा तो सतपुड़ा के बाद महादेव पर्वत, फिर मैकाल पर्वत और फिर लास्ट में छोटा नागपुर पठार आएगा। मध्य भारत में स्थित विकल्प पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम निम्न है, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल तथा छोटा नागपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात बड़वानी की पहाड़ियाँ, फिर महादेव श्रेणी और फिर मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला सही क्रम इस प्रकार है, बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी और फिर मैकाल श्रेणी। नेक्स्ट प्रश्न है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं? तो इसका उत्तर है कार्डमम पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 1500 मीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलीकृत घाट है जहाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोद्दा बेट्टा है जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी अन्नामलाई पर्वत में है। यह नीलगिरी के दक्षिण में है। अन्नामलाई के दक्षिण में काडमम अर्थात इलायची की पहाड़ियां हैं। इनका विस्तार कन्याकुमारी तक लगभग 8 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अतः काडमम पहाड़ियां कन्याकुमारी से सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो इसका उत्तर है गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। दिए गए विकल्पों में गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, अन्य सभी पहाड़ी पर चाय बागान है। कानन देवन पहाड़ियाँ भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में अवस्थित है। इस क्षेत्र मुनार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। मुनार क्षेत्र में 1870 के दशक में चाय बागानों की शुरुआत हुई थी। आगे है नीलगिरी, दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चायों में से है। दूसरा, भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जो सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, गिरनार पर्वत गुजरात राज्य में अवस्थित है जहाँ पर चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया है।
अतः प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। अब है चौथा, पर्वत चोटियाँ। तो आइए चलते हैं, पहले इसके नोट्स को पढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर तथा अवस्थिति नेपाल में है। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गॉडविन ऑस्टिन या K2 है। यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। K2 पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो भारत के सिक्किम राज्य एवं नेपाल में अवस्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है। वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया। नंदा देवी भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। नंदा देवी शिखर की ऊंचाई 7,816 मीटर है। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1988 में इसे प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया है। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। यह राजस्थान के सिरोही जिले में अवस्थित है। कावेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गोसाई थान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। माउंट आबू अरावली पर्वत का भाग है। उटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत का कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो इसका उत्तर है नेपाल में। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर तथा अवस्थिति नेपाल में है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो इसका उत्तर है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी? तो इसका उत्तर है बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी? तो इसका उत्तर है जुंको ताबेई एक जापानी पर्वतारोही है। इन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतह कर इतिहास रच दिया तथा ऐसा करने वाली वे प्रथम महिला बन गई। ये सातों महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, दो बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही है? तो इसका उत्तर है संतोष यादव। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय अंतराल पर दो बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला है कौन? तो इसका उत्तर अभी हम लोगों ने पढ़ा, संतोष यादव। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका उत्तर है K2 गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट गॉडविन ऑस्टिन या K2 है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका उत्तर है K2 भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो इसका उत्तर है कंचनजंगा। हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाई एवं देश इस प्रकार है, माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है यह नेपाल में है। वहीं गॉडविन ऑस्टिन जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है यह भारत में है। वहीं कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है यह भारत और नेपाल में है। वहीं मैकालू पर्वत की
की ऊंचाई 8463 मीटर है, जो कि नेपाल देश में है। स्पष्ट है कि गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। चूंकि गॉडविन ऑस्टिन विकल्पों में नहीं है, अतः विकल्प उत्तर सी ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है नेपाल और सिक्किम दोनों में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में सही क्रम क्या है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, उसके बाद गॉडविन ऑस्टिन और फिर कंचनजंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नंदा देवी चोटी किसका भाग है? तो इसका उत्तर है गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी भारत की तीसरी चोटी है। इसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। यह गढ़वाल हिमालय का भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है, नंदा देवी स्थित है? तो इसका उत्तर है उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नंदा देवी शिखर स्थित है? तो इसका उत्तर है उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो इसका उत्तर है राजस्थान में। गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो इसका उत्तर है कुंभलगढ़। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जो कि विकल्प में नहीं है। विकल्प में दिए गए शिखरों में सर्वोच्च शिखर कुंभलगढ़ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? तो इसका उत्तर है नामचा वर्मा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और फिर नंदा देवी। अतः सही विकल्प डी है। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर सही क्रम निम्नानुसार है। सबसे पूर्व में नामचा वर्मा, जो कि चीन में है। फिर पश्चिम में आते जाएगा तो मिलेगा कंचनजंगा, उसके और फिर आगे बढ़िएगा तो माउंट एवरेस्ट और फिर नंदा देवी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो इसका उत्तर है गोसाई थान। नंदा देवी, कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है, जबकि गोसाई स्थान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये स्टार मार्क्स है। तो भाई चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। कोडाई कनाल अनामलाई पहाड़ी में नहीं, बल्कि तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पाली पहाड़ी में अवस्थित है। पाली पहाड़ी पश्चिम में अनामलाई पहाड़ी से जुड़ी हुई है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं, बल्कि धौलाधर श्रेणी में अवस्थित है। अतः इस प्रश्न में विकल्प बी एवं डी दोनों सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो इसका उत्तर है ए और बी दोनों, अर्थात गोल्डा मांधाता और नामचा वर्मा। गोल्डा मांधाता पर्वत शिखर भारत में नहीं, बल्कि पश्चिमी तिब्बत में नेपाल की उत्तर पश्चिम सीमा के निकट अवस्थित है। इसी प्रकार नामचा वर्मा पर्वत चोटी भी अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट दक्षिण पूर्वी तिब्बत में अवस्थित है। इस प्रकार गोल्डा मांधाता और नामचा वर्मा ये दोनों ही पर्वत शिखर भारत में अवस्थित नहीं है। कामेट या कामेत पर्वत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में तथा नंदा पर्वत भारत के जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न के दो विकल्प सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गौड़लाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? तो इसका उत्तर है शामली पार्ट में। गौड़लाटा चोटी शामली पार्ट के चांदो पहाड़ी रेंज पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। इस पर्वतीय शिखर की ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है। अब आइए चलते हैं इसके पांचवें चैप्टर घाटियां को पढ़ते हैं। हिमालय
समानांतर श्रेणियों से निर्मित है। इन्हें कश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी, यह हिमाचल प्रदेश में है, भागीरथी घाटी जो कि गंगोत्री के समीप है एवं मंदाकिनी घाटी जो कि केदारनाथ के समीप है आदि अनेक घाटियों द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। ये पर्यटकों के आकर्षण के स्थान है एवं यहाँ जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य अर्थात उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। भारत चीन के निकट सरम्यू नेलांग घाटी है जो वर्ष 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था। मई 2015 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। मरखा घाटी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो कि 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावित हुआ की प्रसिद्ध घाटी है। समुद्र तल से 2438 मीटर की ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जफू श्रेणी के पीछे जुकू घाटी स्थित है। सांगला घाटी किन्नौर में स्थित है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और बसपा घाटी से घिरी हुई है। युथांग घाटी गंगटोक अर्थात सिक्किम की जो कि सिक्किम की राजधानी है से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों एवं अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में भी जाना जाता है। शांत घाटी या मौन घाटी केरल के पलक्कड़ पालघाट जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। अब आइए चलते इसके प्रश्न कोष को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वह है, तो इसका उत्तर है ए धौलाधार तथा पीर पंजाल। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, तो इसका उत्तर है उत्तराखंड में। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आज में आपको मिलान करना है, तो आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और मिलान कर लें। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। इसका सही उत्तर डी है। मरखा घाटी लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है। 31 अक्टूबर 2019 से मरखा घाटी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। जुकू घाटी समुद्र तल से 2438 मीटर की ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जफू श्रेणी के पीछे स्थित है। सांगला घाटी किन्नौर में स्थित है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और बसपा नदी से घिरी हुई है। युथांग घाटी गंगटोक से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभिष्ट सुमेल विकल्प डी प्रस्तुत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है चुनकर बदलाइए, तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात दो और तीन सही हैं, अर्थात मौन घाटी राष्ट्र वन के निकट पत्थर कड्डाबू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। वहीं तीसरा कुंती नदी मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। शांत घाटी या मौन घाटी राष्ट्रीय वन केरल के पलक्कड़ या पालघाट जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है न कि नल्लामलाई पहाड़ियों या श्रेणी पर, इसलिए कथन एक गलत है। केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा मौन घाटी राष्ट्रीय पार्क से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर पथक्करडाबू जल विद्युत परियोजना के निर्माण पर निर्माण का प्रस्ताव किया गया है, अतः कथन दो सत्य है। कुंती नदी भदपूजा नदी की सहायक नदी है जो मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्गमित होती है, अतः कथन तीन सत्य है। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, तो इसका उत्तर है केरल में।
अब है दर्रे। अब आइए चलते हैं इसके नोट्स को पढ़ते हैं। किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे दर्रा कहा जाता है। दर्रा पर्वत के द्रोणी अर्थात बेसिन से होकर गुजरता है। भारत के हिमालय क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट में अनेक दर्रे मिलते हैं जिनसे होकर सड़क एवं राजमार्ग गुजरते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगली दीवान है। बुर्जिल्ला दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है जो जिला जास्कर श्रेणी में स्थित है। इससे श्रीनगर लेह मार्ग गुजरता है। पीर पंजाल दर्रे से कुलगांव से कोढ़ी जाने का मार्ग गुजरता है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। सिपकिला शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में से तिब्बत को जोड़ता है। बड़ा लापचा दर्रा से मंडी से ले जाने का मार्ग गुजरता है। वहीं थांगाला दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। माना दर्रा हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है जिसे चिरबितिया ला या डोंगरीला भी कहा जाता है। यह उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। इसी दर्रे में देवताल झील है जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। लीपू लेक दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। थांगा ला माना नीति एवं लीपू लेक दर्रों से मानसरोवर झील व कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। वहीं सिक्किम स्थित नाथुला हिमाचल प्रदेश में समुद्र तल से लगभग 4,404 मीटर अर्थात 14,450 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित नाथुला चीनी क्षेत्र में तिब्बत पहाड़ी की चुंबी घाटी में खुलता है। नाथुला भारत एवं चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। अन्य दो व्यापार पॉइंट उत्तराखंड में लीपू लेक तथा हिमाचल प्रदेश में सिपकिला है। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान बंद किए गए नाथुला को भारत और चीन के मध्य व्यापार के विस्तार के उद्देश्य से 6 जुलाई 2006 को पुनः खोला गया। सिक्किम में स्थित जिलेपला पूर्वी सिक्किम जिले को ल्हासा से जोड़ता है। आगे है बोमडिला अरुणाचल प्रदेश एवं ल्हासा तिब्बत में है को जोड़ता है। यांग याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत के में प्रवेश करती है। यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है। दीफू व पांगसाट दर्रा अरुणाचल प्रदेश भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। मणिपुर में स्थित तुजू दर्रा से इम्फाल से तामू व म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। अब आगे है पश्चिमी घाट ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिप तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। पश्चिमी घाट पर कुछ प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में स्थित थालघाट दर्रे से मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरते हैं। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है। इसे खांडला घाट भी कहा जाता है। यहाँ से मुंबई पुणे बेलगांव चेन्नई रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग गुजरता है। पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों में स्थित है। पालघाट दर्रा को पलक्कड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है। केरल में स्थित इस दर्रे से कालीकट त्रिचूर कोयम्बटूर इडोर के रेल एवं सड़क मार्ग गुजरते हैं। भारत के कुछ अन्य प्रमुख दर्रों में चांगला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बुमला अरुणाचल प्रदेश में
रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में एवं नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। मुलिंगला गंगोत्री के उत्तर में स्थित मौसमी दर्रा है जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। शीतकाल में यह बर्फ से ढका रहता है और आवागमन संभव नहीं होता है। अब है इसका पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, सेला उत्तराखंड में है, यह बिल्कुल गलत है। प्रश्नगत दर्रों एवं उनसे संबंधित राज्यों का सही सुमेलन निम्न प्रकार है। चांगला दर्रा यह जम्मू एवं कश्मीर में है, वहीं रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, वामडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में और सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है, पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? तो इसका उत्तर है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी में। पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, भोरघाट हिमाचल प्रदेश में है, यह गलत है। भोरघाट हिमाचल प्रदेश में न होकर महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। 21 किलोमीटर लंबे इस मार्ग में 28 रेलवे सुरंग है। इस दर्रे से होकर मुंबई पुणे हाईवे व रेल मार्ग गुजरता है। यह कर्जत और खंडाला के बीच स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है लिपुलेख दर्रा उत्तर प्रदेश में ना होकर कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में है। लिपुलेख दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है, न कि उत्तर प्रदेश राज्य में। अतः सही उत्तर विकल्प बी है। 31 अक्टूबर 2019 से जो जिला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात नाथुला मेघालय में है, यह बिल्कुल गलत है। सिप किला हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में तथा नाथुला सिक्किम में है। प्रश्नकाल में जो जिला जम्मू और कश्मीर में स्थित था। 31 अक्टूबर 2019 से जो जिला नाथुला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में अवस्थित है। नाथुला भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, जो चीनी क्षेत्र में तिब्बती पठार की चुंबी घाटी में खुलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है? तो इसका उत्तर है जो जिला श्रीनगर को ले से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जबकि सिपकिला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से संबद्ध करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाथुला किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है सिक्किम में। नाथुला हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 4,404 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर यह पूर्व में स्थित नाथुला चीनी क्षेत्र में तिब्बती पठार की चुंबी घाटी में खुलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है नाथुला अरुणाचल प्रदेश में, यह गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? तो इसका उत्तर है नाथुला। नाथुला भारत एवं चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान बंद किए गए नाथुला को भारत चीन के मध्य व्यापार विस्तार के उद्देश्य से 6 जुलाई 2006 को पुनः खोला गया था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें और यहाँ से इसका उत्तर देख लें। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विस्तार पर। बनिहाल दर्रा यह जम्मू और कश्मीर में है, वहीं नाथुला दर्रा यह सिक्किम में है।
नीति दर्रा यह उत्तराखंड में और शिवकिला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में 31 अक्टूबर 2019 से बनिहाल दर्रा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में है। नेक्स्ट प्रश्न में आपको पुनः मिलान करना है, तो आप लोग पुनः इसका प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। अगर आपको समय और चाहिए तो वीडियो को पॉज कर इसका मिलान कर लें और यहाँ से इस प्रश्न का उत्तर को मिलान करें, तो इसका सही विकल्प बी होगा। हम लोग चलते हैं इसके विश्लेषण पर। बुमला दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश में है, वहीं जिलेपला दर्रा सिक्किम में, मुलिंगला दर्रा यह उत्तराखंड में और शिवकिला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें आपको पुनः आपको मिलान करना है, तो आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें, तो इसका विकल्प है सी। अब हम लोग चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। माना दर्रा यह उत्तराखंड में है, वहीं नाथुला दर्रा यह सिक्किम में है, जो जिला दर्रा यह जम्मू और कश्मीर में, वहीं शिवकिला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, तो इसका उत्तर है सी अर्थात शिवकिला यह जम्मू व कश्मीर में है, यह गलत है। यह किस राज्य में है, तो यह सिक्किम में है। जिलेपला दर्रा पूर्वी सिक्किम जिले को लहासा से जोड़ता है, वहीं दूसरा है गढ़वाल यह भी उत्तराखंड में है कि पहाड़ियों में तिब्बत को जोड़ने वाले दो दर्रे नीति एवं माना है, वहीं तीसरा है तिब्बत को जोड़ने वाला शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है, वहीं चौथा है बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश एवं लहासा को जोड़ता है। स्पष्ट है कि शिवकिला जम्मू और कश्मीर सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है, तो इसका उत्तर है लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में अवस्थित है। इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लिपुलेख दर्रा अवस्थित है, तो इसका उत्तर है उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ध्यातव्य है कि 1 जनवरी 2007 से पहले उत्तराखंड राज्य अरुणाचल नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित नहीं है, तो इसका उत्तर है ए अर्थात नाथुला अरुणाचल प्रदेश में है, यह बिल्कुल गलत है। यह कहाँ है, तो यह है सिक्किम में। नाथुला सिक्किम, लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश और पालघाट केरल। रोहतांग दर्रा अवस्थित है, तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश में। 18 है, माना दर्रा अस्थित है, तो इसका उत्तर है उत्तराखंड में। माना दर्रा उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, किंगड़ी विंगड़ी नीति माना क्या है, तो इसका उत्तर है ए दर्रा। किंगड़ी विंगड़ी नीति माना दर्रे हैं। नीति दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ने वाला हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। माना या माना दर्रा हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, जिसे चिरी बीतिया या डुंगरी ला भी कहा जाता है। इसी दर्रे में देवताल झील है, जहां से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम क्या है, तो इसका उत्तर सी अर्थात सबसे पश्चिम में शिवकिला, उसके और आगे जाएगा पूर्व की ओर तो लिपुलेख मिलेगा, और फिर नाथुला और सबसे पूर्व में वामडिला। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, वामडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में तथा लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, अतः इसका सही पश्चिम से पूर्व क्रम शिवकिला, लिपुलेख, नाथुला और फिर वामडिला। नेक्स्ट प्रश्न है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो इसका उत्तर है ई। दिए गए विकल्पों में नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। नाथुला
दर्रा की ऊंचाई 14,450 मीटर अर्थात 4,404 मीटर सॉरी 14,450 फीट वहीं 4,404 मीटर है। वहीं जोजिला दर्रा की ऊंचाई 11,578 फीट, रोहतांग दर्रा की ऊंचाई 13,044 फीट तथा खैबर दर्रा की ऊंचाई 3,510 फीट है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान है। चूंकि विकल्प में उपयुक्त में से कोई भी नहीं, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ई होगा। तो यह वीडियो यहीं तक, क्योंकि आगे वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं तक छोड़ते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए पार्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।